मुंबई में एक और अभिनेता ने खुदकुशी कर ली। कई मशहूर टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता समीर शर्मा का शव घर में पंखे से लटका मिला। आपको बता दें कि समीर ये रिश्ते हैं प्यार के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं। कल शाम 8 बजे के करीब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। शव की हालत को देखते हुए ऐसा शक है कि 2 दिन पहले उन्होंने खुदकुशी की थी। हालांकि अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। समीर शर्मा मुंबई में मलौड स्थित नेहा हाउसिंग सोसाइटी की पहली मंजिल पर रूम नंबर 102B विंग में अकेले रहते थे। वॉचमैन किसी काम से बी विंग में गया था, तब खिड़की से देखने पर शव पंखे से लटका हुआ पाया। वॉचमैन ने तुरंत इस बात की जानकारी मलौड पुलिस को दी। समीर ने आत्महत्या क्यों की, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शव को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। कोरोना संकट के बीच बॉलीवुड और छोटे पर्दे के सितारों के सुसाइड करने का सिलसिला जारी है। टीवी एक्टर समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुंबई में अपने घर पर आत्महत्या की। समीर शर्मा क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम कर चुके। मलौड पुलिस ने ADR दर्ज कर ली है। 44 वर्षीय समीर शर्मा ने मलौड पश्चिम स्थित नेहा CSCH बिल्डिंग में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दी। पुलिस के मुताबिक एक्टर ने खुदकुशी 2 दिन पहले की होगी, क्योंकि जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। मलौड पुलिस के मुताबिक समीर ने इसी साल फरवरी में अपार्टमेंट किराए पर लिया था। बुधवार रात की ड्यूटी के दौरान चौकीदार ने समीर शर्मा के शव को लटका हुआ देखा था। समीर का शव किचन में पंखे से लटका रहा था। सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है। वे फाइनेंशियल एंगल को भी खंगाल रही है। समीर शर्मा ने टीवी के कई शोज में काम किया था। वे क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अलावा कहानी घर घर की, ये रिश्ते हैं प्यार के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ज्योति, गीत हुई सबसे पराई, 26/12, दिल क्या कहता है, वीरांगली, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान भाव, इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर भूतों में नजर आए थे। इन दिनों वे सीरियल्स ये रिश्ते हैं प्यार के में शौर्या महेश्वरी का रोल प्ले कर रहे थे।